हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कच्चे केले के कोफ्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। वैसे तो आपने कोफ्ते बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन चलिए आज कच्चे केले के कोफ्ते बनाते हैं। इनको बनाने के लिए हमको चाहिए आधे किलो कच्चे केले। मैंने इनको 2 से 3 सीटी लगाकर कुकर में उबाल लिया है। 1 कटोरी प्याज, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट, 1 कटोरी टमाटर की प्यूरी, 2 कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया, 1 कटी हुई प्याज, 1 कटोरी बेसन, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, दालचीनी, थोड़े से तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच धनिया पाउडर, बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल। अब हम एक बर्तन लेंगे, उबले हुए केले को छीलेंगे। देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से हम सारे केले को छील लेंगे। उबले हुए केले आसानी से छिल जाते हैं। अब हम केलों को मैश करेंगे। केले अच्छे से मैश हो चुके हैं। चार से पांच चम्मच बेसन डालें, प्याज, हरी मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया। सबको अच्छे से मैश कर लेंगे। हमको मसाले को अच्छे से मिला लेना है। हमारा कोफ्ते का मसाला बनकर तैयार हो चुका है। हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे, उसमें तेल डालें, तेल को गर्म होने देंगे। चलिए जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम अपने कोफ्ते तैयार करते हैं। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लें, थोड़ा सा हाथ में मसाला लें और दोनों हाथों से गोल करेंगे। देखिए इस तरह से, साइज आप अपने मन पसंद के अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से हमने सारे गोले बनाकर तैयार कर लिए हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब हम उसमें एक एक करके कोफ्ते छोड़ेंगे। गैस को मीडियम रखें। एक तरफ से तलने दें। हमारे कोफ्ते एक तरफ से तल चुके हैं, अब उनको पलटेंगे और लगातार पलटते हुए इनको सेकेंगे। जब तक हमारे कोफ्ते गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। हमारे कोफ्ते गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं, उनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपने बाकी कोफ्ते तैयार कर लेंगे। देखिए हमारे सारे कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। हमारी कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा तेल था उसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में खड़े मसाले डालेंगे। फिर पिसी हुई प्याज और लगातार चलाएं।
गैस को मीडियम ही रखें और लगातार चलाते हुए प्याज को भूनें। हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। हल्दी पाउडर डालें, आधी चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे और एक साथ चला देंगे। आधी कटोरी पानी डालें। अब हम मसाले को भुनने देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालें, एक साथ चला दें। हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हमारा मसाला भुनकर तैयार हो चुका है। दो ग्लास पानी डालें और चला दें। अब हम अपनी ग्रेवी में उबाल आने देंगे। ऊपर से गर्म मसाला डालें और कटा हुआ धनिया डालें, एक साथ चलाएं। अब हम अपनी ग्रेवी को उबलने देंगे। ग्रेवी में उबाल आ चुका है। अब हम उसमें कोफ्ते डालेंगे। एक बार चला दें। अब हम कढ़ाई का ढक्कन बंद कर देंगे और धीमी गैस पर हम कोफ्तों को बनने देंगे। देखिए हमारे कोफ्ते अच्छे से उबलने लगे हैं। इनको एक बार फिर से चला दें। फिर से ढक्कन बंद करें। एक मिनट के लिए फिर से उबलने देंगे। अब हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है। अब हम बने हुए कोफ्तों को एक बर्तन में सर्व करेंगे। एक बर्तन लें, उसमें बने हुए कोफ्ते डालें। देखिए हमारे कोफ्ते कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। ऊपर से कटा हुआ धनिया डालें। केले के कोफ्तों को आप पराठे, चपाती, किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। ये चावल के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।